बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च की जाएगी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर जानकारी दी। इसरो द्वारा भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाने से लेकर भारतीय समुद्री सतह पर उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लाने की यान की क्षमता का आकलन किया जाना है। ये भारत के अंतरिक्ष पर्यटन के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि गगनयान मिशन के पहले मानवयुक्त प्रक्षेपण से पहले अगले वर्ष में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को परीक्षण के तौर पर भेजा जाएगा। वहीं व्योम मित्र को भेजे जाने से भी पहले इसरो द्वारा गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट को लॉन्च किया जाना है। तो इसरो द्वारा TVD-1 का प्रक्षेपण 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। यही क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगी। इसरो के गगनयान मिशन के पहले व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट को 21 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने को लेकर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसरो वैज्ञानिकों के अभिनंदन में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान ये बात साझा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस परीक्षण के अंतर्गत बाहरी अंतरिक्ष में क्रू मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा और इसे पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद इसे वापस पूरी होगी इसकी वापसी। भारतीय नौसेना ने इस टेस्ट मॉड्यूल को पुनर्प्राप्त करने के लिए पहले ही मॉक ड्रिल शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परीक्षण की सफलता पहले मानव रहित गगनयान मिशन और अंततः पृथ्वी की निचली कक्षा में बाहरी अंतरिक्ष के लिए मानवयुक्त मिशन के लिए मंच तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम मानवयुक्त गगनयान मिशन से पहले अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान होगी जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र ले जाएगा। गगनयान मिशन के जीके फैक्ट्स की बात करें तो इसरो भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को 2024 में लॉन्च करेगा। इसमें तीन चरण है, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाना, भारतीय समुद्री सतह पर उतारना और फिर सुरक्षित रूप से उनकी वापसी। गगनयान भारत के अंतरिक्ष पर्यटन के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। गगनयान मिशन के पहले 2024 में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को परीक्षण के तौर पर भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट को 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। TVD-1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया जाएगा। वहीं क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में लेकर जाएगा।